हेलो फ्रेंड्स, मैं सुशांत फ्रॉम नाना मोबाइल एंड टीवी सर्विस जामुझाड़ी बालेश्वर उड़ीसा और मेरा चैनल पर आपको स्वागत है। आज मैं दिखाऊंगा एक एलजी का टीवी, उसमें ऊपर साइड हाफ स्क्रीन पिक्चर सही आ रहा है और नीचे साइड हाफ स्क्रीन रेनबो टाइप आ रहा है। उसको कैसे ठीक करना है, उसमें क्या प्रॉब्लम है, सब मैं आज लाइव करके आपको दिखाऊँगा। ये जो वीडियो है वो टेक्नीशियंस के लिए बहुत यूजफुल होगा, क्योंकि आजकल टीवी इसी प्रॉब्लम में बहुत आ रहा है और इसी प्रॉब्लम में ज़्यादातर टेक्नीशियंस उसका जो मेन आईसी वर्टिकल आईसी चेंज कर देते हैं तो भी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होता है। तो उसको कैसे ठीक करना है आज मैं स्टेप बाय स्टेप दिखाऊंगा। ये वीडियो मैं कर रहा हूँ ये मैं खुद कर रहा हूँ और आपको दिखाता हूँ, ये कोई एडिटेड वीडियो नहीं है, ये ओरिजिनल वीडियो है जो मैं कर रहा हूँ आपको दिखा रहा हूँ। तो ठीक है, आज का टॉपिक स्टार्ट करेंगे। तो ये है उसका पीसीबी, उसका जो मदरबोर्ड एलजी का, जो ये है उसका मदर पीसीबी, उसमें प्रॉब्लम है। ऊपर साइड सही आ रहा है, नीचे साइड रेनबो टाइप आ रहा है। तो ये तो वर्टिकल का प्रॉब्लम है। तो ये है उसका वर्टिकल आईसी। सबसे पहले वर्टिकल आईसी का जो सप्लाई चेक करेंगे, उसका दो नंबर पिन है पॉजिटिव सप्लाई, वो 13 वोल्ट सही आ रहा है। और उसका जो चार नंबर पॉइंट है वर्टिकल आईसी का, ये है उसका दोनों, ये चार नंबर पॉइंट है वो माइनस का सप्लाई होता है, वो माइनस 14 ये सही आ रहा है। तो उसके बाद चेक करेंगे जो वर्टिकल आउटपुट सिग्नल जो प्रोसेसर से आता है, AN4 का प्रोसेसर है, 14 और 15 नंबर पिन से दो जो वर्टिकल आउटपुट को जो सिग्नल जाता है, वर्टिकल सिग्नल 14 और 15, उसका वोल्टेज चेक करेंगे। एक में 1.78 और दूसरा जो आ रहा है 4.1, वो ज़्यादा आ रहा है। ये जो दोनों वोल्टेज आसपास सेम आना चाहिए था, आसपास 1.5 से 2 वोल्ट के अंदर आना चाहिए था, लेकिन ये जो उसी ट्रैक से वो जाता है वर्टिकल आउटपुट को, तो ये दोनों ट्रैक से दो जो सिग्नल वो ज़्यादा आ रहा है। एक तो सही आ रहा है 1.5 से 2 वोल्ट के अंदर, मतलब 1.78 सही आ रहा है, दूसरा 1.4 वोल्ट आ रहा है। तो उसका मतलब है उसमें एक ड्रॉपिंग रेजिस्टेंस ग्राउंड से लगा हुआ है दोनों सिग्नल को। उसमें ये है उसका एक सिग्नल को ग्राउंड से रजिस्टर, ये है दोनों, और दूसरा सिग्नल को ग्राउंड से रजिस्टर। वो रेजिस्टेंस अगर ख़राब हो जाएगा तो भी ज़्यादा वोल्ट निकलेगा, क्योंकि ये ड्रॉपिंग रेजिस्टेंस होता है। हाँ, ये ग्राउंड को चेक करेंगे पहले कंटिन्यूटी, उसको ग्राउंड से जो फर्स्ट पॉइंट है, ये है फर्स्ट पॉइंट, वो जो रजिस्टेंस है R39 की लिखा है, चेक करेंगे उसका कंटिन्यूटी, वो कुछ नहीं दिखा रहा है। तो दूसरा वाला चेक करके देखेंगे, वो जो दूसरा वाला ये है पॉइंट, वो रेजिस्टेंस है, तो उसमें कितना दिखा रहा है, वो सही दिखा रहा है, 5.2 है, ये सही दिखा रहा है। मतलब वो जो दूसरा वाला वो शायद ख़राब है, उसको वो कुछ नहीं दिखा रहा है, उसको निकाल के चेक करेंगे। तो मैंने निकाल दिया, चेक करेंगे अभी सही है कि ख़राब है। तो ये कुछ नहीं दिखा रहा है, कंटिन्यूटी सही है, मतलब ये ख़राब है। एक नया लगा के देखेंगे, 5.2 के अंदर होना चाहिए, एक नया लगा के देखेंगे। मैंने नया तो लगा दिया, अभी रिसोल्व करेंगे करके उसका कंटिन्यूटी चेक करेंगे। तो लगा दिया, अभी ये कंटिन्यूटी चेक करेंगे जो ग्राउंड से उसका रेजिस्टेंस चेक करेंगे। ये वाला 5.2 आ गया और दूसरा वाला ये भी 5.2 आ गया, अभी चेक करेंगे। 5.2, हाँ ये सही है, ठीक है, चेक करेंगे अभी पिक्चर आ रहा है कि सही नहीं आ रहा है, या सही आ रहा है, सही हो गया, मतलब ये ठीक हो गया। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू।